नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और दोस्तों, अभी तक इससे पहले जो हमने किया था, जो करेक्ट सेंटेंस कौन सा है उसका हमने क्वेश्चन किया था। ये हमारा जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है दोस्तों, आपका एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। और एरर करेक्शन में, जैसे कि हमने पहले भी इन क्वेश्चंस को किया हुआ है, तो आप लोगों को उसका आइडिया है क्या करना है। चलिए फिर से बता देता हूँ कि आपके सामने जो है चार ऑप्शंस है। देखो कौन कौन से ऑप्शंस है, चार आपके पास पॉइंट है। ये वन, टू, यहाँ पर थ्री, और ये लास्ट में जो है फोर है। और बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है नो एरर का भी ऑप्शन आता है, ऐसा लास्ट में जो है नो एरर का भी ऑप्शन होता है, जो आपका फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें हमको करना क्या है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको देखना है कि कौन से वाले सेक्शन में एरर है, ठीक है ना। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पढ़ लेते हैं क्या हो रहा है। इसका मीनिंग देखो कि माय कलीग हैड अ हार्ड टाइम जगलिंग द नीड्स ऑफ हर फैमिली फॉर द डिमांड्स ऑफ हर जॉब। अब तो इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है कि माय कलीग, मेरे कलीग मतलब जो सहकर्मी, मेरे साथ जो काम, मेरे साथ जो जॉब करती है, मेरे साथ जो काम करती है, हैड अ हार्ड टाइम, है ना। हैड अ हार्ड टाइम का मतलब ये देखो, हैव का ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, और यहाँ पर जो हैड है ये मेन वर्ब की तरह यूज़ किया जा रहा है कि मेरी जो कलीग है उसको हैड अ हार्ड टाइम। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर वर्ड है हार्ड, अ हार्ड टाइम, इसका ये एक फ्रेज है, ठीक है ना। हार्ड अ हार्ड टाइम बिल्कुल यहाँ पर एक फ्रेज होता है, और जिसका मीनिंग है मुश्किल समय, ठीक है। क्या मीनिंग होता है इसका, मुश्किल समय। मुश्किल समय इसका मतलब है कि मेरी जो कलीग है वो अभी जो है बहुत परेशानी से गुजर रही है ना। आगे क्या, हैड अ हार्ड टाइम जगलिंग। अब ये जगलिंग का मीनिंग क्या होता है, जगलिंग का मतलब होता है मैनेजिंग और बैलेंसिंग, मैनेजिंग या फिर क्या होता है बैलेंसिंग, ठीक है ना। हैड अ हार्ड टाइम जगलिंग मतलब ये सब चीज़ें मैनेज करने में उनको जो है बहुत परेशानी हो रही है। किस चीज़ को जगलिंग, द नीड्स ऑफ हर फैमिली की ज़रूरतें, अपने जो परिवार की जो ज़रूरतें हैं उसको पूर्ति, उसको पूर्ण करने के लिए जो है उसको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अभी आ रही है, बहुत प्रॉब्लम उसके सामने आ गई है, ठीक है। आगे क्या, फॉर द डिमांड्स ऑफ हर जॉब, ठीक है। तो फॉर द डिमांड्स ऑफ हर जॉब, किसके लिए, उसकी डिमांड्स, जॉब के डिमांड के लिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको गड़बड़ लग रहा है। देखो माई कलीग हार्ड अ हार्ड टाइम, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब फर्स्ट वाले में कोई इशू नहीं। फर्स्ट वाला हमारा बिल्कुल राइट है कि माई फैमिली जो है आपका सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यहाँ पर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं, अ हार्ड टाइम, हार्ड टाइम ये फ्रेज भी बिल्कुल आपका कंप्लीट है। जगलिंग द नीड्स ऑफ हर फैमिली, उसकी फैमिली की नीड्स जो है वो मैनेज करने में, फॉर द डिमांड्स ऑफ हर जॉब, उसकी डिमांड ऑफ जॉब के लिए नहीं। दोस्तों यहाँ पर हमारा एरर निकल के आ गया, इसमें जो फॉर प्रिपोजिशन है वो नहीं होगा, और उसके बदले जो है आप देखो क्या हो जाएगा, विथ प्रिपोजिशन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि विद द डिमांड ऑफ हर जॉब, की जिस प्रकार से उसके जॉब की जो डिमांड्स है, उसकी रिक्वायरमेंट है, और उसके साथ साथ जो उसका घर का जो ज़रूरतें हैं फैमिली की, वो दोनों की दोनों जो है एकदम क्लैश हो रही है। और आप ये मानकर चलें कि उस जॉब के कारण जो है वो घर की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है, तो ये विथ होगा, ठीक है। तो एक तो उसको घर की ज़रूरतें पूरे करना है, और साथ में जो है जॉब की भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, तो ये दोनों की दोनों चीज़ें जो है एक साथ जो है होने के कारण उसको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसका मतलब हमारा ये जो फॉर प्रिपोजिशन है ये नहीं आएगा, इसके बदले जो है क्या हो जाएगा, सही हमारा विद प्रिपोजिशन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा जो एरर है वो फोर्थ वाले में है, ठीक है ना। फोर्थ वाला हमारा एरर का क्वेश्चन निकल कर आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 82 जो है, देखिए एरर का क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द गोल्ड डिपॉजिट्स डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द ओरिजिनल गोल्ड माइंस वाज एक्सपोज्ड एट द अर्थ सरफेस एंड फाउंड बाय सिंपल प्रोस्पेक्टिंग मेथड्स।
अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। देखो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है हमारा क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ दी गोल्ड डिपॉजिट। दोस्तों देखो शुरुआत किससे हो रही है, मोस्ट से हो रही है। अब मोस्ट और उसके बाद क्या लगा हुआ है, ऑफ। एक चीज आप याद रखना कभी भी कि ऑफ प्रीपोजिशन आपका आ रहा है यहां पर, है ना, मोस्ट उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन आता है तो नाउन जो है वो क्या होने वाला है, नाउन हमारा होने वाला है प्लूरल, ठीक है। तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर वर्ड है आपका क्या, डिपॉजिट्स, ये हो गया प्लूरल नाउन, ठीक है ना। डिपॉजिट आपका क्या हो गया, प्लूरल नाउन। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बिल्कुल बराबर है। चलिए आगे देखते हैं। तो गोल्ड डिपॉजिट डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द ओरिजिनल गोल्ड माइंस वॉज एक्सपोज। अब एक चीज आप देखो दोस्तों, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट यहां पर होना चाहिए, ठीक है ना। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट यहां पर होना चाहिए। आप देखो सब्जेक्ट आपका क्या है भाई, मोस्ट ऑफ द गोल्ड डिपॉजिट्स, ये हमारा सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट कौन सा है भाई, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो वर्ब जो होगा उसके हिसाब से होने वाला है, वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। लेकिन यहां पर आप देखो क्या लिखा हुआ है, वॉस, भाई वॉस तो सिंगुलर है, तो इसके बदले जो है हम लोग क्या कर देंगे, वर्ब जो है वो एग्जैक्टली राइट हो जाएगा। फिर से देखो कि मोस्ट ऑफ द गोल्ड डिपॉजिट जो है, जो कि डिस्कवर किए गए कब, ड्यूरिंग ओरिजिनल गोल्ड माइंस के दौरान, वर एक्सपोज्ड एट द अर्थ्स सरफेस, कि वो कहां पर ऊपर आए, उभर कर आए अर्थ्स के सरफेस के ऊपर आए, एंड फाउंड बाय सिंपल प्रोस्पेक्टिंग मेथड, कैसे प्राप्त हुए, एकदम सरल साधारण प्रोस्पेक्टिंग के मेथड से। तो एरर जो है वो कहां पर हमको दिख रहा है भाई, एरर हमारा सेकेंड वाले में हो गया, और बाकी जो है ग्रामर के हिसाब से और मीनिंगफुली भी जो है बाकी बिल्कुल बराबर है, यहाँ पर कोई भी एरर दूसरा नहीं है। इसका मतलब सेकेंड वाला जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 एरर का हमारा क्या लिखा है, द बोर्ड्स डिसीजन हैज प्रोवाइडेड एम्प्लॉइज विद द अपॉर्चुनिटी टू अक्वायर अप टू 100 शेयर्स बाय द कंपनी, ठीक है, अप टू 100 शेयर्स बाय द कंपनी। वापस देखते हैं कि बोर्ड्स डिसीजन, ये जो बोर्ड, द बोर्ड्स क्या है दोस्तों, द बोर्ड्स का क्या डिसीजन। तो यहाँ पर एक चीज आप देखना कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम लोग इस पर्टिकुलर सेंटेंस में किसकी बात कर रहे हैं, डिसीजन की बात कर रहे हैं, किसके डिसीजन की, बोर्ड के डिसीजन की। मतलब सब्जेक्ट हमारा क्या है, डिसीजन है। अगर डिसीजन सब्जेक्ट है तो ये क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा कि प्लूरल सब्जेक्ट होगा भाई, डिसीजन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, जाहिर सी बात है ये हमारा सब्जेक्ट है, कैसा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब जो है, सिंगुलर वर्ब आने वाला है जो कि एकदम करेक्ट है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है कि बोर्ड्स डिसीजन हैज प्रोवाइडेड, हैज प्रोवाइडेड का मतलब है ये आपका दोस्तों परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, परफेक्ट, परफेक्ट टेंस का आपका सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि हैज लिखा है उसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो हैज प्रोवाइडेड फर्स्ट वाले में कोई एरर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। हैज प्रोवाइडेड क्या, एम्प्लॉइज विद द अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉइज विद द अपॉर्चुनिटी टू अक्वायर, तो टू जो है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू अक्वायर वी वन, ये भी बिल्कुल हमारा करेक्ट है। अप टू, कब, अप टू 100 शेयर्स, मतलब अप टू का मतलब है कि इतने तक, कितने तक, 100 शेयर्स तक, बाय द कंपनी। तो बोर्ड्स डिसीजन हैज प्रोवाइडेड एम्प्लॉयज विद द अपॉर्चुनिटी टू अक्वायर, मतलब बोर्ड ने एक डिसीजन लिया कि जिससे जो भी कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनको एक चांस मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो क्या कर सकते हैं, कम से कम 100 शेयर जो है कंपनी के, 100 शेयर जो है कंपनी के वो खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। तो यहाँ पर 100 शेयर्स, लेकिन किसके, कंपनी के, किसके, किसके शेयर्स, कंपनी के, तो ये बाय मतलब कंपनी के द्वारा, और यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपनी के शेयर, किसके शेयर्स हैं, कंपनी के शेयर्स, मतलब यहाँ पर बाय प्रीपोजिशन जो है ना वो रॉन्ग है, और ऑफ प्रीपोजिशन यहाँ पर आने वाला है मीनिंग के हिसाब से, ठीक है ना। अगर आप इसका हिंदी करोगे तो क्या निकल के आ रहा है कि बोर्ड ने एक डिसीजन लिया और जिससे एम्प्लॉइज को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो कम से कम जो है
100 शेयर, कंपनी के 100 शेयर तक वो खरीद सकते हैं। तो किसके शेयर की बात हो रही है, कंपनी के शेयर, मतलब ऑफ द कंपनी यहाँ पर सही आपका वर्ड हो जाएगा, बाय द कंपनी रॉन्ग हो जाएगा, मतलब एरर जो है फोर्थ में है। ठीक, तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट वाले का फोर्थ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 84 वाला। इसमें क्या लिखा है, इफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंटिन्यूज टू ग्रो एट द सेम रेट फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, फॉर द लास्ट फ्यू मंथ इट वुड हैव अ हाई ग्रोथ रेट दिस ईयर। देखो दोस्तों, ये जो हमारा सेंटेंस है शुरू किससे हो रहा है, इफ से हो रहा है। भाई इफ से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, कंडीशनल, ये हमारा सेंटेंस है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि यदि, ठीक है ना, क्या कहा जा रहा है कि यदि ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इसी तरीके से क्या होगा इसी तरीके से अगर वो कंटिन्यू करता रहा, ग्रो करता रहा सेम रेट पर, है ना, फॉर द लास्ट फ्यू मंथ, है ना, पिछले कुछ फ्यू महीनों से कंटिन्यू करता रहा, तो क्या होगा कि इट वुड हैव, तो वुड हैव का तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है कि वो क्या होगा, इट वुड हैव अ हाई ग्रोथ रेट दिस ईयर। मतलब अगर पिछले कुछ महीने से जो है वो कंटिन्यू करता रहा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फॉर द लास्ट फ्यू मंथ दिया हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पर जो है ये आपका सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, तो ये हमारा कुछ ना कुछ गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, लास्ट फ्यू मंथ है ना, पास्ट की बात हो रही है भाई, कोई ना कोई पास्ट की इसमें बात हो रही है, और यहाँ पे जो है ये आपका प्रेजेंट में आ गया, तो ये तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पास्ट सेंस में बात हो रही है कि ये बोला जा रहा है कि यदि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इसी प्रकार से अगर वो करता रहा, इतने कुछ पिछले महीनों से जो है करता आ रहा है, तो उसके कारण क्या होगा कि जो हाई ग्रोथ रेट है इस साल भी होने वाली है। ठीक है ना, इस तरीके से मतलब हमारा जो सेंटेंस है यहाँ पर पास्ट परफेक्ट होने वाला है। किसमें होने वाला है, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस में हमारा सेंटेंस आने वाला है। इसका मतलब ये कंटिन्यू के बदले जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर, हैड कंटिन्यूड, CONTINUED वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा, हैड कंटिन्यूड बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अब देखो फिर से कि इफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैड कंटिन्यूड, ठीक है ना, ये यहाँ पर हमारा जो है एरर हो गया। तो इफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैड कंटिन्यूड to grow at the same rate for the last few months, it would have a high growth rate this year. ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग बोलेंगे जब हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है आप पास्ट कंटिन्यू से आपका सेंटेंस शुरू होता है कि यदि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो इसी प्रकार जो है करता रहा, है ना, ग्रोथ इसी रेट पर लास्ट फ्यू मंथ से, तो उसमें क्या होगा कि वो जो है हाई ग्रोथ देने वाला है अगले साल भी। इसका मतलब एरर जो है वो हमारा ए के अंदर ही एरर है, ये कंटिन्यूस के बदले जो है हार्ड कंटिन्यूड हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये दोनों भी आपके एरर के ही क्वेश्चंस हैं। पहले हम लोग जो है पूरा इसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कौन से वाले पार्ट में एरर है। ठीक है, देखो क्या लिखा जा रहा है कि द एडवेंट ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल हेल्थ इंश्योरेंस विच प्रोवाइडेड पेशेंट्स विद द परचेजिंग पावर ऑफ पे फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल सर्विसेज गारंटीड द प्राइवेट हॉस्पिटल रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। कि यहाँ पर मीनिंग क्या हो रहा है, एडवेंट ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल, तो एडवेंट ऑफ प्राइवेट, तो एडवेंट का मतलब होता है स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट या फिर बिगिनिंग, तो शुरुआत, है ना, तो स्टार्ट ऑफ
प्राइवेट हॉस्पिटल हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब इस पूरे सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है? प्राइवेट हॉस्पिटल का जो हेल्थ का जो इंश्योरेंस है उसके बारे में चर्चा की जा रही है कि इनका जो शुरुआत हुई है किसकी, ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल हेल्थ इंश्योरेंस की जो शुरुआत हुई है, जो बीमा प्राइवेट हॉस्पिटल हेल्थ इंश्योरेंस की जो शुरुआत हुई है उसके कारण क्या हुआ कि विच प्रोवाइडेड पेशेंट, जिसने कि क्या प्रोवाइड किया था पेशेंट को विद द परचेजिंग पावर ऑफ पे, है ना, परचेजिंग पावर ऑफ पे मतलब ऑफ पे, उनका जो जो पेशेंट्स हैं उनका परचेजिंग पावर जो है उसमें इनको हेल्प की थी फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल, ताकि मतलब उस इंश्योरेंस की हेल्प से जो पेशेंट्स हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी जो है अपना इलाज करवा सकते हैं उस पर्टिकुलर हेल्थ के इंश्योरेंस के कारण। तो एक तो ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये किसके फायदे की बात कर रहा है, जो ऐसे लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल में अफोर्ड नहीं कर पाते थे अब जो है वो लोग भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकते हैं, तो एक तो उनको फायदा हो रहा है। और आगे देखो, ऑफ पे फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल सर्विसेज, और एक और जो है गारंटीड द प्राइवेट हॉस्पिटल अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। तो ये जो इंश्योरेंस है प्राइवेट हॉस्पिटल का जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये एक तरह से गारंटी देता है, क्या किस चीज़ की गारंटी देता है, गारंटीड द प्राइवेट हॉस्पिटल मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम की गारंटी देता है कि अगर कुछ भी सपोज पेशेंट अगर उसका पेमेंट नहीं कर पाए तो फिर ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ये उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पेमेंट करने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो किसके बारे में है, प्राइवेट हॉस्पिटल का जो इंश्योरेंस है उसके बारे में है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स को। देखो शुरुआत किससे हो रही है, द एडवेंट ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल हेल्थ इंश्योरेंस, है ना, तो एडवेंट मतलब ये जो स्टार्ट, उसका जो स्टार्ट हुआ किसका, प्राइवेट हॉस्पिटल हेल्थ इंश्योरेंस का, उसके बाद कॉमा लगा हुआ है, विच, ये आपका क्या हो गया, विच क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो ये इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, किसके बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, विच प्रोवाइडेड, जिसने प्रोवाइड किया क्या पेशेंट्स को विथ परचेजिंग पावर, है ना, उनको परचेजिंग पावर ऑफ किसका, ऑफ पे फॉर। तो दोस्तों एक चीज आप देखो कि ऑफ जो है उसके बाद पे नहीं आता है, ऑफ के बाद जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है, ठीक है, उसके साथ क्या आ सकता है, ऑफ प्रीपोजिशन आया उसके साथ जो है वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ सकता है, ठीक है ना, आईएनजी फॉर्म आ सकता है, टू अगर हमने लिखा तो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ सकता है। तो यहाँ पे देखो आप क्या होगा, परचेजिंग पावर विद, देखो प्रोवाइडेड पेशेंट्स विद परचेजिंग पावर टू पे फॉर, है ना, टू पे फॉर, ये तो होगा नहीं, तो ऑफ तो सही है लेकिन पे जो है वो गलत हो गया, मतलब इसके साथ हम लोग क्या लगा देंगे, पेइंग, ये ing आपका लगा देंगे कि ऑफ पेइंग फॉर, ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा कि ऑफ पेइंग फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल सर्विसेज की सर्विसेज के लिए। और इसने क्या किया इस इंश्योरेंस ने, देखो दोस्तों यहाँ से लेकर तो यहाँ तक जो है आपके ये एक एक्स्ट्रा क्लॉज हो गया, ठीक है, रिलेटिव क्लॉज हो गया, एक्स्ट्रा चीज़ें हो गई, किसके बारे में, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई इंश्योरेंस के बारे में। अगर मान लेता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक स्किप कर देता हूँ, फिर हम लोग अगर पढ़ेंगे तो क्या होगा, द एडवेंट ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल हेल्थ इंश्योरेंस गारंटीड द प्राइवेट हॉस्पिटल अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। अब क्योंकि ये हमारा सेंटेंस जो है पूरा का पूरा सेंटेंस किस में है, पास्ट टेंस में है, और इसके कारण जो है यहाँ पर गारंटी का क्या हो गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया, तो बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म है, गारंटीड लगा हुआ है। आप देखो इसको स्किप कर दो थोड़ी देर के लिए, तो अब आप पढ़ो, तो एडवेंच देखो, एडवेंट ऑफ मतलब ये जो स्टार्टिंग या फिर ये जो बिगिनिंग जो शुरुआत हुई किसकी, प्राइवेट हॉस्पिटल हेल्थ इंश्योरेंस की, एक तरह से इसने क्या दे दिया, गारंटी कर दिया किसको, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम उनको निश्चित करके रख दी, ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा कोई भी इशू नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो रिलेटिव क्लॉज है इसके अंदर एरर आ रहा है,
रहा है, देखो आप क्या आ रहा है, विच प्रोवाइडेड, ठीक है, किसकी बात हो रही है, विच कौन है, इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस के लिए जो है विच प्रोनाउन आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो विच और उसने क्या किया, प्रोवाइड किया, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म ये भी बराबर है। क्या किसको प्रोवाइड किया, पेशेंस, किसके साथ, पेशेंस के साथ विद आता है। विद द क्या, परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर ऑफ पेइंग फॉर, ठीक है, पे फॉर नहीं होगा, ऑफ पेइंग फॉर प्राइवेट सर्विसेज, मतलब यहाँ पे एरर जो है हमारा सेकेंड वाले में एरर है दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, पहले समझ लेते हैं क्या लिखा है। द सेलर्स डिसाइडेड टू लोअर द बिग मास्ट अकॉर्डिंगली कम्यूट स्मूथली, कम्यूट स्मूथली थ्रू द एब्सोल्यूटली विशियस ओशन विंड। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सेलर, सेलर जो आपको पता है ना, जो शिप जहाज में, जहाज के जो वाहक होते हैं, जो चालक होते हैं, उनको सेलर्स बोलते हैं, ठीक है। तो सेलर जो है उन्होंने क्या किया, निश्चय किया, डिसाइड किया, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और किस चीज के लिए डिसाइड किया, टू लोअर, टू के बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो लोअर करने के लिए, क्या लोअर करने के लिए, अ बिग मास्ट। तो दोस्तों मास्ट जो है एक बड़ा सा एक पोल होता है शिप के ऊपर, जिसके ऊपर फ्लैग्स वगैरह लगाते हैं, झंडे वगैरह लगाते हैं, और जो बड़े बड़े पर्दे लगाते हैं, जिससे क्या होता है शिप की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो वो बिग मास्ट को इन्होंने क्या किया, लोअर किया, उसको नीचे करने का उन्होंने निर्णय लिया, है ना, अकॉर्डिंगली। अच्छा, अकॉर्डिंगली मतलब के हिसाब से, और ऐसा उन्होंने क्यों किया, कम्यूट स्मूथली, ताकि वो क्या कर सके, कम्यूट कर सके, आगे बढ़ सके, ठीक है। कम्यूट का मतलब होता है एक तरह से टू मूव, है ना, टू मूव फॉरवर्ड, आगे की ओर जो है वो लोग क्या कर सके, शिफ्ट कर सके उसको, शिप को जो है आगे की तरफ बढ़ा सके, इसलिए उन्होंने उसको किया, टू कम्यूट या फिर टू मूव या फिर टू ट्रैवल, ट्रैवल स्मूथली थ्रू द एब्सोल्युटली विशियस, किसके थ्रू, एब्सोल्युटली विशियस ओशन, ओशन जो है उस टर्म बहुत ज़्यादा, ओशन विंड, जो हवाएं जो चल रही थी वो बहुत ज़्यादा भयंकर थी, बहुत ज़्यादा विशियस थी, एक तरह से ये आपका नेगेटिव वर्ड है, और इसका मतलब होता है डेडली, विंड कैसी थी, हवाएं कैसी थी, बिल्कुल डेडली, बहुत ही भयंकर, भयावह, भयानक जो है वो विंड थी, ओशन की विंड थी। तो यहाँ पे सेलर जो है उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो क्या करने वाले हैं, ये जो बड़ा सा पोल है इसको थोड़ा नीचे करने वाले हैं, है ना, अकॉर्डिंगली मतलब उनके हिसाब से, विंड के हिसाब से, और ये सब ऐसा क्यों करने वाले हैं, कम्यूट। तो यहाँ पे दोस्तों एक प्रीपोजिशन मिसिंग है, क्या हो जाएगा, टू कम्यूट, क्या क्यों करने वाले हैं ये सब, भाई लोअर करने का इन्होंने निश्चय क्यों किया, टू कम्यूट स्मूथली थ्रू, ताकि वो क्या कर सके, आराम से निकल सके, पार हो सके, किस, और बहुत ही आराम से पार हो सके, किसके थ्रू, किससे पार हो सके, एक बहुत ही एब्सोल्यूटली और डेडली ओशन की जो विंड है, जो हवाएं हैं, उससे ये लोग कम्यूट कर सके, उससे पार पा सके, एक तरह से उससे निकल सके, इसलिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने डिसाइड करा, है ना, इन्होंने किस चीज को डिसाइड करा, तो डिसाइडेड टू, ये जो वर्ड है दोस्तों आपका क्या लिखा हुआ है, डिसाइडेड, कभी भी याद रखना, डिसाइडेड आपका आया तो इसके साथ जो है प्रीपोजिशन आपका लगने वाला है, कौन सा, टू प्रीपोजिशन यहाँ पर लगेगा, तो डिसाइडेड, डिसाइडेड के बाद जो है हमारा टू प्रीपोजिशन लगने वाला है, तो वो कहाँ पर लगाए, तो डिसाइडेड टू लोअर, ठीक है, तो दो बार आएगा, एक बार टू लोअर और टू कम्यूनिट, लोअर क्या डिसाइड किया, लोअर करने का, क्या, मास्ट को, क्यों, क्यों डिसाइड किया, टू कम्यूट स्मूथली, ताकि वो आराम से स्मूथली जो है वहां से विंड को क्रॉस करके आगे की ओर बढ़ सके, ठीक है। तो एरर जो है हमारा थर्ड वाले पार्ट में एरर आ गया, ठीक, थर्ड वाला हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला हमारा 87th वाला जो क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू ईज द अनएंडिंग ट्रैफिक ग्रिड लॉक्स ऑन द रोड द पुलिस इज एम्बार्किंग ऑन अ मेजर रीवैम्प ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रैफिक प्लान, ठीक है। तो क्या इसका मीनिंग निकल के आ रहा है कि इन ऑर्डर टू ईज द अनएंडिंग ट्रैफिक ग्रिड लॉक, इसका क्या मतलब है, ऑन द रोड, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक एक सेंटेंस आपका है, है ना, उसके बाद जो है कॉमा आ गया, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि इन ऑर्डर टू ईज द अनएंडिंग ट्रैफिक ग्रिड लॉक, मतलब ये जो अनएंडिंग ट्रैफिक ग्रिड लॉक, ग्रिड लॉक का मतलब होता है पूरा जैम,
ठीक है, ट्रैफिक का ये क्या है, जैम जैम या फिर कंजेशन, कंजेशन जो ट्रैफिक कंजेशन जो है ना। अब इसको इसको क्या करने के लिए, इसको ईज करने के लिए, इस ट्रैफिक जैम को खोलने के लिए या इस ट्रैफिक के जो जैम है इसको आसान करने के लिए, जो है रोड के ऊपर जो ट्रैफिक जैम है उसको आसान करने के लिए पुलिस ने क्या किया। द पुलिस इज एम्बार्किंग ऑन अ मेजर, एम्बार्किंग का मतलब है यहाँ पे वर्किंग, ठीक है ना। पुलिस क्या कर रही है, वर्क कर रही है, तो वर्किंग ऑन अ मेजर रीवैम्प, तो यहाँ पर पुलिस जो है वो काम कर रही है, किसके ऊपर काम कर रही है, एक मेजर रीवैम्प ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रैफिक प्लान। तो रीवैम्प का मतलब होता है कि एक तरह से चेंज, ठीक है, चेंज करना या फिर रीशेड्यूल करना या फिर से एक तरह से फिर से उसको रीप्लान करना, ठीक है, आप बोल सकते हो री प्लान। तो पुलिस जो है वो किस पर काम कर रही है, वो वॉकिंग ऑन द एग्जिस्टिंग ट्रैफिक प्लान, उस पर रीवैम्प कर रही है, उस पर वापस रीथिंक, उसको सेकंड थॉट या नए तरीके से जो ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसको नए तरीके से उसको जमाने के लिए पुलिस जो है वो प्रयासरत है, वो प्रयास कर रही है, ठीक है, ये इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है। फिर से समझ लेते हैं पूरे सेंटेंस के अंदर क्या मीनिंग है, कि ये जो इतना ट्रैफिक की जो समस्या आ रही है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो इस ट्रैफिक की जो ट्रैफिक जाम की जो ग्रिड लॉक की जो समस्या है उसको आसान करने के लिए पुलिस जो है उनका जो पुराना जो ट्रैफिक कंट्रोल करने का जो प्लानिंग था वो सफिशिएंट नहीं रहा, है ना। तो जाहिर सी बात है ये क्या कर रहे हैं, पुलिस एक नए तरीके से नया ट्रैफिक का प्लानिंग बना रहे हैं, जिससे क्या होगा कि बहुत अच्छे से ट्रैफिक को ये लोग शेड्यूल कर पाए। तो ये तो क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया, है ना। अब देख लेते हैं हमारा एरर किस में आ सकता है, पूरा स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं। देखो इन ऑर्डर टू, ये पूरा का पूरा आपका एक प्रिपोजिशनल फ्रेज है ना। इसका मतलब होता है बिकॉज, इसका क्या मतलब होता है इन ऑर्डर टू का, बिकॉज, है ना, टू ईज, टू ईज क्या करने के लिए, क्या क्या कारण बता रहे हैं कि आसान करने के लिए। तो इन ऑर्डर टू ईज, टू के बाद जो है यहाँ पर ईज आ गया जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये बिल्कुल बराबर है। टू ईज क्या, द अनएंडिंग ट्रैफिक ग्रिड लॉक्स, तो ये जो ट्रैफिक ग्रिड लॉक है, ये जो कंजेशन है, जो जैम है, तो यहाँ पे ग्रिड लॉक्स जो बहुत सारा है, प्लूरल वर्ड है ये आपका, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यहाँ ये भी आपका पूरा करेक्ट है, फर्स्ट के अंदर कुछ भी एरर नहीं है कि इन ऑर्डर टू ईज द, तो इन ऑर्डर टू ईज द आसान करने के लिए क्या चीज, अनएंडिंग ट्रैफिक ग्रिड लॉक्स ऑन द रोड, जो अनएंडिंग ट्रैफिक का जो ग्रिड लॉग है रोड के ऊपर, मतलब यहाँ सेकेंड वाले के अंदर भी जो है कोई भी एरर हमको नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये टू पॉइंट हमारे ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये करने के लिए भाई ट्रैफिक को, ट्रैफिक के जो जाम है उसको आसान करने के लिए, अब आगे देखो इसको आसान करने के लिए जो पुलिस है, द पुलिस इज एम्बार्किंग ऑन द मेजर रिवैम्प। दोस्तों एक चीज याद रखो, ये जो वर्ड है पुलिस, ये आपका नाउन है, ठीक है ना, ये आपका नाउन है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौन सा नाउन है। पुलिस हमेशा हमेशा पुलिस जो है वो प्लूरल नाउन होता है, ठीक है ना। पुलिस जो है वो हमेशा कौन सा नाउन होता है, प्लूरल नाउन होता है। अब अगर पुलिस प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे इस जो है ये आपका वर्ब नहीं आएगा, रॉन्ग हो गया। यहाँ पर जो है क्या आने वाला है, आर आने वाला है, प्लूरल वर्ब हम लोग लगाएंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि पुलिस पढ़ने में हमको लग रहा है कि सिंगुलर है, बट एक्चुअल में पुलिस जो है वो प्लूरल होता है, ठीक है। पुलिस और पुलिस का पुलिसेस भी नहीं होता है, पुलिस का प्लूरल जो वर्ड है वो पुलिस ही होता है, बट हमको बिल्कुल इसी तरीके से याद रखना है कि पुलिस जो है वो प्लूरल नाउन है, और इसके बदले आर, पुलिस आर एम्बार्किंग ऑन, तो ये आपका बिल्कुल सही है, वर्किंग ऑन, एम्बार्किंग जो है उसके साथ जो है ऑन प्रिपोजिशन ही आता है, तो ये तो बिल्कुल बराबर है कि पुलिस जो है एम्बार्किंग ऑन किस पर, अ मेजर रीवैम्प, मेजर रीवैम्प मतलब चेंज, एक मेजर रीप्लान करने की यहाँ पर सोच रही है, ऑफ द किसका, ऑफ द एग्जिस्टिंग जो मौजूदा, किसका
किसका रीवैम्प करने के लिए पुलिस सोच रही है, जो मौजूदा जो ट्रैफिक प्लान है उसके अंदर संशोधन, उसके अंदर बदलाव करने की जो है पुलिस प्लानिंग बना रही है। ठीक है, तो बाकी हमारा जो है थर्ड के अंदर भी कोई भी एरर नहीं और फोर्थ वाला भी हमारा करेक्ट है, मतलब जो एरर हमारा एरर हमारा जो है वो किस में आ रहा है, इसी में, थर्ड में ही हमारा एरर निकल कर आ रहा है। ठीक है ना, और ये जो है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट वर्ब का हमारा एरर है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है क्या लिखा है, अ रीसेंट सर्वे शोज दैट मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 10 ईयर्स हैव नेवर अटेंडेड नो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल। क्या फिर से देख लेते हैं एक बार, और रीसेंट सर्वे जो हाल ही में एक सर्वे जो है शोज दैट, देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अ रीसेंट सर्वे, एक हाल ही में हुआ जो है सर्वे शोज दैट। देखो दोस्तों यहाँ पर ये जो सर्वे है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, सर्वे जो है ये आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब आने वाला है। ठीक है ना, तो ये आपका बिल्कुल बराबर है कि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब ये सर्वे क्या दिखाता है, ये दिखाता है दैट मिलियंस ऑफ, तो दोस्तों मिलियंस और उसके बाद जो है ऑफ आया, तो ऑफ प्रीपोजिशन जब आता है तो वर्ब का सॉरी नाउन जो है वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। नाउन हमारा क्या होगा, प्लूरल नाउन होने वाला है, और चिल्ड्रन जैसे कि आपको पता है कि ऑलरेडी प्लूरल वर्ड है, तो यहाँ पर मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन बिल्कुल बराबर है। ठीक है, इन द एज ग्रुप, इन बच्चों का एज ग्रुप क्या है, इन द एज ग्रुप ऑफ। ठीक है, तो देखो वापस से ग्रुप ऑफ आ गया है ना, ग्रुप ऑफ 6 to 10 साल, तो ये देखो ईयर्स, ये भी आपका क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, तो यहाँ पर 6 to 10 ईयर्स ये भी बिल्कुल बराबर है। और यहाँ पर आप देखो हैव आया, हैव नेवर अटेंडेड, तो दोस्तों हैव जो है उसके बाद अटेंडेड आता ही है, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब ये आपका जो है हैव नेवर अटेंडेड, ये आपका परफेक्ट, ठीक है ना, परफेक्ट टेंस का आपका सेंटेंस है। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे आप देखो हैव नेवर अटेंडेड नो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल, तो नो प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल तो नहीं होगा दोस्तों, ये नो जो है यहाँ पर इसकी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि नेवर का मतलब ही होता है कि कभी नहीं, है ना, कभी नहीं, यही होता है ना, तो नेवर जो है ऑलरेडी आपका क्या हो गया, नेगेटिव वर्ड हो गया, भाई मना जो करने का काम है वो किसने कर लिया, नेवर ने कर लिया। तो अगर हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि एनी रीसेंट सर्वे शोज दैट मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 10 ईयर्स हैव नेवर अटेंडेड प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पर एनी लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि नो यहाँ पर नहीं आएगा, नो के बदले जो है नेवर ऑलरेडी वो नेगेटिव वर्ड है, उसने इसका काम कर दिया, तो हैव अटेंडेड, हैव नेवर अटेंडेड प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल, मतलब नो जो है यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है ना, तो फोर्थ वाला जो है इसके अंदर हमारा एरर निकल कर आ गया दोस्तों। अब दोस्तों क्या देखने को मिला है हमको, कि जितने भी ये आपके SBI लेवल के जो एरर के क्वेश्चंस होते हैं, जनरली प्रीपोजिशंस से बहुत ज़्यादा इसके एरर्स आते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशंस, फिक्स प्रीपोजिशंस, फ्रेजल वर्ब्स, इससे जो है एरर आपके एरर क्वेश्चंस में जो है प्रीपोजिशन के एरर जो है बहुत ज़्यादा देखे गए हैं ना, तो उसी हिसाब से आप लोगों को अपनी तैयारी करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 जो है वापस एरर का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ही हायर टू कूलीज बिकॉज द लगेज ही वॉज कैरिंग वॉज टू मच हैवी फॉर वन टू लिफ्ट। ठीक है, अब वापस से देखते हैं, देखो ही हायर्ड, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही क्या है, सब्जेक्ट, अब इसके बाद देखो वर्ब लगा हुआ है, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म है यहाँ पर, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि ये हमारा जो सेंटेंस है वो किस में चल रहा है, पास्ट टेंस में चल रहा है। ठीक है ना, तो ही हायर्ड, तो ही हायर्ड क्या, टू कूलीज, दो कूलीज को उसने क्या किया, हायर किया, बिकॉज, क्यों क्यों किया, बिकॉज द लगेज ही वॉज कैरिंग, जो लगेज था, जो सामान था जो वो अपने साथ लेकर जा रहा था, जो कैरी कर रहा था, वॉज,
टू मच हैवी फॉर वन टू लिफ्ट, कि वो जो सामान जो अपने साथ लेकर जा रहा था वो किसी के लिए भी जो है लिफ्ट करना उठाना काफ़ी हैवी था, हैवी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बात हो रही। तो देखो सब्जेक्ट और वर्ब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। ही और हायर्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्या हायर किया उसने, दो कुलीज को उसने हायर किया, दो कुलीज को उसने रखा अपना सामान उठाने के लिए। तो एरर ए के अंदर यहाँ पर फर्स्ट में कोई भी एरर हमारा नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। दो कुलीज को उसने हायर किया, क्यों हायर किया उसका रीज़न दिया जा रहा है कि वो जो लगेज जो वो कैरी कर रहा था, देखो ही के साथ वॉस, ये भी आपका बराबर है, ही वॉज कैरिंग, तो ही वॉज कैरिंग जो वो अपने साथ लेकर जा रहा था। इसका मतलब टू में भी आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। वॉस, अच्छा वो क्या था, लगेज क्या था, देखो ये जो वॉज है ये किसके लिए लगा हुआ है, लगेज के लिए। अब लगेज जो है वो आपका सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना। लगेज आपका क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ जो वर्ब लगा है वो भी हमारा सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पर भी जो है सब्जेक्ट और वर्ब का यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे क्या लिखा है, लगेज ही वॉज कैरिंग वॉज टू मच हैवी। यहाँ पे आपका दोस्तों एक रूल काम में आता है, देखो टू मच लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, टू मच, तो टू मच जो है उसके बाद दोस्तों याद रखना उसके बाद नाउन आता है। टू मच के बाद क्या आता है, नाउन आता है, और एक कॉम्बिनेशन होता है मच टू, ठीक है ना। तो मच टू जो है उसके बाद क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, ठीक है, एडजेक्टिव आता है। जैसे आप बोल सकते हो इसका एक एग्जाम्पल, आई हैव टू मच, आई हैव टू मच वर्क टूडे, कि आज जो है मेरे पास काफ़ी सारा काम है ना। इस तरीके से जब हम लोग बोलेंगे तो बिल्कुल क्या लिखेंगे, टू मच और वर्क, वर्क क्या है यहाँ पर, नाउन है, ठीक है। और इसी तरीके से आप इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि I got much too late, आज मैं जो है क्या हो गया, much too late हो गया, I got much too late today, ठीक है। तो ये late आपका क्या है, late जो है वो आपका adjective है, ठीक है, ये आपका adjective हो गया, ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। तो हम लोग जो है too much जो है उसके बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, और मच टू अगर लगा हुआ है तो उसके बाद एडजेक्टिव आना चाहिए। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे तो ये क्या लगा हुआ है आपका, हैवी, और हैवी क्या है, हैवी मतलब भारी। वो क्या बता रहा है, किसकी बात, किसके बारे में बता रहा है, लगेज के बारे में, कि लगेज कैसा है, इट वॉज टू मच हैवी। अब हैवी आपका क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है, ठीक है ना, हैवी आपका हो गया एडजेक्टिव। इसका मतलब यहाँ पे एरर जो है हमारा वो क्या है, टू आपका इधर आ जाएगा और मच जो है वो इधर आ जाएगा। तो राइट आपका जो फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगा, मच टू हैवी फॉर वन टू लिफ्ट, किसी के लिए उसको उठाना काफी, मच टू हैवी है, ठीक है। तो राइट हमारा आंसर जो है थर्ड वाला हो गया, एरर जो है थर्ड के अंदर है, ठीक है, और टू मच के बदले मच टू हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने है, और पहले इसको समझते हैं। द ट्रेनर्स एम इज प्रोवाइडेड चीफ एंड रिलायबल इंटरनेट फैसिलिटीज टू एवरी विलेज विद इन 5 ईयर्स। अच्छा, तो ये जो ट्रेनर्स है, जो ट्रेनर्स हैं उनका एम क्या है, ट्रेनर का एम क्या है, इस प्रोवाइडेड, देखो इज प्रोवाइडेड चीप, क्या एम है, इज प्रोवाइडेड, ताकि वो प्रोवाइड करें चीप, एकदम सस्ता और रिलायबल, भरोसेमंद इंटरनेट फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करें, किसको, टू एवरी विलेज, हर एक गांव को तक वो पहुंचाए विद इन 5 ईयर, कितने में, 5 सालों के अंदर अंदर, ठीक है, विद इन मतलब के अंदर अंदर। अब यहाँ पर आप देखो कि ट्रेनर किसका एम है, ट्रेनर एम है, ये एम क्या है आपका, एम है आपका नाउन, कैसा नाउन है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, देखो ट्रेनर्स एम, किसका एम, ट्रेनर का एम, ठीक है, इज प्रोवाइडेड, तो इज के साथ जो है इज और प्रोवाइडेड, तो यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है, या तो ये क्या होना चाहिए कि परफेक्ट टेंस में होना चाहिए, हैज और उसके बाद जो है प्रोवाइडेड, ठीक है ना, हैज के बाद प्रोवाइडेड, वर्ब का कौन सा फॉर्म होना चाहिए,
थर्ड फॉर्म होना चाहिए, ठीक है ना, V3 होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर इसको has provided लिखते हैं कि trainer's name has provided, तो ये आपका मीनिंग वाइज जो है कॉन्टेक्चुअली बिल्कुल राइट नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा राइट कि इज टू प्रोवाइड, भाई एम क्या है, एम की बात हो रही है ना कि ट्रेनर का जो एम है, ट्रेनर का जो मकसद है वो क्या है, इज टू प्रोवाइड। तो ये यहाँ पर प्रोवाइडेड जो है वो रॉन्ग हो गया, टू अगर हमने लगाया तो वर्ब का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा इज टू प्रोवाइड चीफ एंड रिलायबल इंटरनेट फैसिलिटीज टू एवरी विलेज विद इन 5 ईयर्स, 5 सालों के अंदर अंदर। इसका मतलब एरर जो है हमारा किस में है भाई, एरर जो है वो हमारा फर्स्ट वाले ऑप्शन में बिल्कुल एरर निकल के आ गया, और वो क्या है, ग्रामर का एरर है, प्रोवाइडेड रॉन्ग हो जाएगा, इज टू प्रोवाइड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।